नमस्कार अर्गस अपडेट सहित मुनिवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस पिपिली उपनिर्वाचन फाइट सकाळ 7:00 348 बूथरे वोटरों को मतदान जारी 10 प्रार्थी को भाग्य निर्धारण सुरक्षा पाई बीएसएफ और पुलिस फोर्स मुतयन सेबडे आरंभरो अव्यवस्था ईवीएम अचर जुगु तीनोटी बूथरे मतदान बंद सकाळ 9:00 सुधा 7.8% भोटिंग बर्षार भिजि ट्रली में आहत पत्नी को पलिथिन घोड़ाई टाणिले वृद्ध मयूरभंज शुलियापदार आसला अभावनीय दृश्य भंडारी स्लोर विश्वनाथों पत्नी पोखरी में बुड़ी होते आहत मेडिकल बढ़ाई ने सा जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र दलाल राज जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र 600 टंका राउरकेला महानगर निगम कमिशनर को आखि आढ़ल चली गोलक धंदा प्रश्न वीडियो सामना को आसवा पर घटनार तदंत जयपुर में सीपेट्र शुभारंभ चारि मेडिकल कलेज भित्तिप्रस्तर स्थापन विश्व उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री लक्ष्य राजस्थान युवकों कुशली ज्ञान प्रदान जोगदेवे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खोर्धा कुहड़ी अंचल में बेआईन पथर खादन चढ़ाऊ जेसीबी समेत 407 ट्रक को जबत कला टांगी तहसिल घटनास्थल चंपट मारे खड़ी माफिया आग को बेआईन खणि में जोरदार चढ़ाऊ होगा नहीं सूचना लघुचाप बलय प्रभाव में उत्तर ओडिशा रे वर्षा आज मयूरभंज और केन्द्र प्रबल अति प्रबल छेचवा संभावना आभ्यंतरण ओडिशा रे हालुकर मध्यम धरणर वर्षा अनुमान सेपटे पुणी थे बालेश्वर में विपद संकेत टपिला जलका गजपति मोहना थाना भितर युवती को उठाई ने परिवार लोके 50 रु ऊर्ध लोके थाना धसई पशिले झील को माड़ मारी टाणी टाणी उठाई ने किद ते प्रेम बहुत करते युवती पुलिस आगे आईन को हाथ को केमी ने परिवार लोके श्रीजगन्नाथ रत्न भंडारु रत्न चोरी अर्गस रोकठो कार्यक्रम में भाग नहीं निजे देखिता कथा कहले जगन्नाथ सेना आवाहक प्रियदर्शन पट्टनायक कहले जगन्नाथ राण खाऊ मिछ कौड़ी फेब्रुवारी मासरे रातिरे पश्चिम द्वार दे ट्रक लगी होता चोरी भोट देउछि पिपिली कि हेब पिपिली परवर्ती विधायक मतदान जारी रही सका 9:00 सुधा 7.80% भोटिंग होता जमापड़ संध्या 6:00 जाए मतदान हो पिपिली विधायक प्रदीप महारथी कोरोन मृत्यु पर उपनिर्वाचन तबे दुई दुई थर निर्वाचन स्थगित रहा शेषे भोटिंग कांग्रेस प्रार्थी अजित मंगराजों देहांत और कोरोना संक्रमण जो निर्वाचन को स्थगित रखी निर्वाचन कमिशन बीजेपी और बीजेपी प्रार्थी को अपरिवर्तित रखि केवल कांग्रेस को नुआ प्रार्थी देवाई सुजोग मिलता तेणु एवं बीजेडी रुद्र महारथी बीजेपी आश्रित पट्टनायक कांग्रेस लड़े कर विश्वकिशन हरिचंदन महापात्र समुदाय 2.30 लक्ष भोटर से मताधिकार सब्यस्त करेंगे निर्वाचन मंडल अंतर्गत पिपिली और डेलांग ब्लक्र 348 बूथ में मतदान चली 201 गोटी बूथ को संवेदनशील बूथ भाव चिन्हट कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी सका 6:30 रु सका 10:00 जाए प्रथम पर्याय 10:00 रु अपराह्न गोटाए पर्यंत द्वितीय पर्याय और अपराह्न गोटाए रु अपराह्न 4:00 जाए तृतीय पर्याय समय स्थिर कर तेज सका 9:00 सुधा 8.9% भोटिंग होता सूचना मिली सब ठीक ठाक चली जो जो हमारा सेंसिटिव बूथ जो गुड़ा अच्छी सिटी बीएसएफ रा डिप्लॉयमेंट कराई बाकी जगह हमारा आर्म्ड पुलिस रा डिप्लॉयमेंट अच्छी सब हमारा मोबाइल पार्टी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स डीएसपी इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स इंटेंसिव पेट्रोलिंग सब जगह करपर्यन सब शांति श्रृंखला चली आम आशा कर पूरा इलेक्शन पीसफुल हम टेक्निकल इश्यू अच्छी सांगे सांगे प्रशासन साइड रू बहुत बढ़िया व्यवस्था कराई जहाँ जहाँ जो जो इश्यू अच्छी सांगे सांगे से रिप्लेसमेंट कर एपर्यंत किसी और इश्यू नहीं तरह रिप्लेसमेंट हमें पाखे जो खबर अच्छी तो टेक्निकल इश्यू अच्छी सांगे सांगे प्रशासन साइड रू तरह प्रॉपर एसओपी सेट कराई से मैंने तरह काम करें पुलिस साइड रू हमें फोकस करवा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू रू जो जो करवा कथा से करूँ
पिपिली उपनिर्वाचन लागि भोट ग्रहण जारी रहिथबा बेले बीजेपी प्रार्थी आश्रित पटनायक निजर मतदान सब्यस्त करिसेंति। सेपरि बीजेडी प्रार्थी रुद्रप्रताप महारथी मध्य बूथ रे पहुंची भोट दान करिसेंति। पाणीदुल रो 133 नंबर बूथ रे भोट देइछेंति बीजेडी प्रार्थी। सांगरे थिले मां प्रतिभा महारथी। बापांक ठारु अधिक भोट पाई पुओ जितिबो बोली आशावादी मां प्रतिभा। सेपटे समस्ते भोट दे गणतंत्र रो पर्व रे शामिल हेबाकु अपील करिसेंति। पिपिली उपनिर्वाचन पर सकाल 7:00 मतदान आरंभ हो प्रत्येक बूथ मानक लंबा लाइन लगी भोटर मन जैक आकृष्ट प्रार्थी मान मन से आशंका और से उत्साह कारण कहीं जो प्रथम साधारण निर्वाचन होता प्रार्थी मैंने निजे निज अंचल निज निज बूथ केन्द्र में भोट दान देते से भाव में जो मैंने भोटर मान अच्छे समस्त भोट देते आम अच्छे कमाकांत जो बूथ सेन्टर अच्छे जोटी की बीजेपी प्रार्थी जो अच्छा आशित पटनायक से आसी भोट दान देवाई सीधा सख चित्र आपको देखा जो भाव में बीजेपी जे प्रार्थी अच्छा से आशित पटनायक से आसी मतदान केन्द्र को सीधा सख जो भाव में लोक मैंने लाइन में पूरा ढड़ा होती मन उत्साह अच्छी प्रार्थी जी अच्छा से आसिकी मानने मतदान केन्द्र में पहुँच सारी से जो भी भाव में जहाँ गाइडलाइन कोविड गाइडलाइन रही थर्मल प्रथम थर्मल स्कानिंग करवर्त समय सानिटाइजर दिजावर समय ग्लोवस पिंधिकी पहुँची मतदान केन्द्र में से उत्साह से आग्रह अच्छे जो भी भाव में कहीं मतदान केन्द्र में जो समस्या जेहेतु लाइन में अच्छा से विधायक प्रार्थी जो अच्छा आशित पटनायक से लंबा लाइन में आसान सीधा सख चित्र देखिपे जो भाव में लंबा लाइन में आसी पहुँचती जो गाइडलाइन गुड़िक रही लाइन में ढड़ा हाँ तापरवर्त समय जो मैंने पोलिंग अफिसर मान अच्छा प्रिजाइडिंग अफिसर मान अच्छा जो कौन से कागजपत्र कार्य सब से कार्य परवर्त समय से ईवीएम मेसीन पहुँचे और निजर भाग्यर निजे गोटे बटम दबाइबे कारण कहीं आज ईवीएम मेसीन तीन प्रार्थी भाग्य सिल हे और परवर्त समय तीन तारिखर में से जो कुहको पेड़ी कह खोल ये रही कितु गोटे कथा हूँ जिते बीजेपी प्रार्थी जी आशित पटनायक से निजर बूथ केन्द्र आसी पहुँच सारी आम आलोचना करवा जो भाव में भाई आप आसिक लंबा लाइन में ढड़ा होती केमी कौन रही गाइडलाइन केमी कौन रही देखिले आपत बूथ व्यवस्था के ना निश्चित भाव में आम सरकार जो नियम अच्छी कोविड गाइडलाइन के आम समस्ते मानवा मानिक जो मत अच्छी मत को सब्यस्त करवा तेणु मोर अनुरोध कोरोना महामारी जो भाव में काय विस्तार करूला निर्वाचन प्रक्रिया आम जेहेतु मत सब्यस्त करार अधिकार अच्छी आम आम समस्ते आम आम कोविड गाइडलाइन के मानी आज आस सब्यस्त कर भाई पिपिल जिलांगवासी निश्चित भाव में उत्साह अच्छे आपत उत्साह आपग्य निजे गोटे बतम दब निश्चित भाव में मुझे खुशी जे मुझे भारतीय जनता पार्टी प्रार्थी हिसाब से मुझ गोटे मत दबार अधिकार अच्छे मोर प्रार्थी को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हिसाब से प्रार्थी गोटे मत दबार मोर सौभाग्य अच्छी निश्चित भाव में उत्साहित डेलांग पिपिल मोठ भारतीय जनता पार्टी ठारु डेलांग पिपिल जनसाधारण अधिका उत्साहित एथिपाई जे से विगत 35 वर्ष पर अंचल गोटे नुआ नेतृत्व बाछबे आस्था प्रकट कर भारतीय जनता पार्टी भोटर मैंने भी आशा रखी आपको जी आप प्रार्थी विधायक जी हूँ निर्वाचित आप विजय करते विकास करने प्रार्थी हिसाब से भोटर मैंने आशा रखी से भोटर आशा केत आप सफल करेंगे भोटर आशा शत प्रतिशत सफलित हो लोक शासन आनता शासन आसव विकास आस गोटे कथा कह प्रशासन कहला संपूर्ण प्रस्तुत अच्छे किंतु केवटना के चार पांच ईवीएम मेसीन अचल रही थोड़ा सूचना निश्चित भाव में आम दुख प्रकाश करुच्छ जनसाधारण तक विभिन्न कार्य व्यस्तता भेजे मत को सब्यस्त करा करूला बेले सरकार जो व्यवस्था करवीएम तुरंत गोटे सेक्टर अंडर अध घंटा भितर चेंज होता है बहुत दुखर विषय घंटा घंटा धरी अपेक्षा करतेटा बूथ में ईवीएम खराब जो चेंज हो पारे निश्चित भाव में बीजेपी विधायक प्रार्थी जी अच्छा आशित पटनायक से प्रथम पोलिंग पार्टी पाखे पहुँची समस्त सहयोग कर समस्त भितर जी भोटर मन में जी उत्साह जी आग्रह रही से प्रार्थी जी अच्छा आशित पटनायक मन में उत्साह से आग्रह अच्छी देखिपार सीधा सख चित्र जे अच्छा
आशीष पटनायक अर्थात बीजेपी रो विधायक प्रार्थी से आसिकी सीधा सड़क पहुँची सारी से मतदान केन्द्र व ईवीएम मेसीन स्थान में पहुँच सारी जेहेतु किसी भोटर मैंने निजर मत सब्यस्त करपेक्षा गोटे उत्साह हस हस मुह बीजेपी जे विधायक प्रार्थी अच्छा आशीष पटनायक हस हस मुह देखा मिलूँ कारण कहीं से संपूर्ण आशावादी चलित बर्ष जो उपनिर्वाचन चली सी निर्वाचन निश्चित भाव में बाजिमात करने सूचना मिली जिते ये देखिए आसा मतदान देखिए आसमें प्रतिक्रिया ना के खुशी अच्छी पद्मफुल मोर मत सब्यस्त कली एवं निश्चित भाव में खुशी लगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हिसाब से पद्म फुले मुझे मत सब्यस्त कर प्रतिक्रिया सुनते जो भाव में बीजेपी विधायक प्रार्थी जीतने आशीष पटनायक से मतदान सब्यस्त कर प्रतिक्रिया बीजेपी मतदान देखते कारण कहीं बहुमूल्य बीजेपी भोट टी कौटिना के अंचल विकास करता प्रतिक्रिया रखुते आपड़ देखुले बीजेपी विधायक प्रार्थी अच्छे आशीष पटनायक कि भाव में मतदान केन्द्र को आसते और किभ शांति श्रृंखला मतदान देखिए फेरी पिपिली वीडियो जर्नालीस्ट सनातन कालुचरण साहू अर्गस न्यूज सेपटे सकाळ 7:30 समय कांग्रेस प्रार्थी विश्वकेशन हरिचंदन महापात्र रेंगळ पंचायत झारपड़ा ग्राम पांच नंबर बुथ को जाई निजर मतदान सब्यस्त करिसंती पूर्वरु दलीय नेता भोट देउथिली आज प्रथम करे निजे निज को भोट दे एक नियारा अनुभूति अनुभव करुछु बोली कहिसंती कांग्रेस प्रार्थी श्रीयुक्त हरिचंदन महापात्र इलेक्शन प्रचार जेम सरिया कथा कार्यक्रम सरला बर्तमान आज भोट दान चली आम गाँ बूथ यहाँ पांच नंबर बूथ झाड़पड़ा स्कूल मुँह आम गाँ बूथ आज मोर मतदान कली एवं समस्त जहाँ इलेक्शन कमिशनर गाइडलाइन सीधा चलती ठीक ठाक कम चली सब डिस्टेंस मेंटेन करवा ग्लोवस दौरान पिंधा को मास्क सानिटाइज कर छाड़ चेक कर भोट दान सुरखुरी चलती जनमत निश्चय होती कहीं आप देखिए कैंपेनिंग बेले लोक मैंने आमको डाक सब समस्या कहते जमी 20 वर्ष होगा आम करनी 3 तारीख जना पड़ो सर 3 तारीख जना पड़ो जहाँ जहाँ भी मतद आसो जहाँ भी कितु लोकर जी आशीर्वाद मिलटा यथेष मिल कारण शुणु सरकार बहुत प्रकार लोक प्रलोभन देखुं सी अलग कथा कि जनसाधारण जानुंत सरकार किसी करना बा सरकारी दल करूनी विभिन्न प्रकार जातीय स्तर हूँ राज्य स्तर हूँ लोक मैंने अवहलित होता तुलन में लोक मैंने जहाँ आशीर्वाद करेंगे आम से सन्तुष्ट काम करने को प्रस्तुत डेलांग पिपिलवासी आगामी दिन में से जो विकास डेलांग पिपिल आम प्रस्तुत अच्छे संतोष जेना आम प्रतिनिधि सदासक आम सहित पिपिली जोड़ी होती पाक सदासक नहीं चलु केमती चली मतदान प्रक्रिया केते उत्साहित भोटर एवं केमती चली मतदान प्रक्रिया सदासक नहीं चलु संतोष केमती देखुं सका चित्र कहीं सका 7:00 मतदान सब्यस्त करने समस्त लाइन में आसी ढड़ा होती व्यवस्था को केमती देखुं लोकों मध्य के उत्साह रही भोटर उत्साहित अच्छा प्रार्थी आशा आशंका भितर अच्छा कहीं लगातार दुई दुई थर निर्वाचन बातिल होगापर तृतीय थर पर निर्वाचन चली सब बड़ कथा पिपिली बासिंदा किभली भाव में जो भोट केन्द्र में मतदान करार सीधा साल चित्र आम देखा सब बड़ कथा कहुची एथर पिपिली निर्वाचन में दुई पक्ष को नहीं फाइट रोटी कांग्रेस पछरे पड़ी और पखापाखि 10 जन प्रार्थी सेमकर भाग्य निर्धारण करने नमिनेसन भरी सब बड़ कथा बीजेडी एवं बीजेपी ए दुई दल भितर बिग फाइट हो जो बिग फाइट भितर पूर्वतन विधायक तथा मंत्री प्रदीप महारथी पुव रुद्र महारथी अच्छा अंपटे बीजेपी आशीष पटनायक अच्छा ये सब भितर कि उन्नति विकास कथा आउ कि अवहेला आउ किए किए कहते विकास होनी कहीं उन्नति होनी कहीं किसी साधारण जनता प्रतिक्रिया ना मैंने आप भोट दे सारे दुई दुई थर बातिल भोट दे भाव जनप्रतिनिधि आपण अंचल दरकार जे लोक कथा बुझे जे लोक काम कर पिपिली बासिंदा एथर कौ कथा को बेसी भाव प्राधान्य देर इटा हवा दरकार कौटा को प्राधान्य दे एथर पिपिली हो पिपिली ब्लॉक वासी हो समस्त चाहते परिवर्तन हेले किसी हम
21 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲେ ଏବେ ଦି ବର୍ଷ ଆମେ ଦବା ଜଣକୁ ସେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବାତିଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ଅଛୁ ଲାଗିଛୁ ଦେଇସାରିଲେଣି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଏବେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆଜି ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ପାଇଁ ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଭାବେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଇଟା ହେବା ଦରକାର ଏଇଟା ସାର୍ ଏବେ ତ 21 ବର୍ଷ କାଳ ଯିଏ ଶାସନ ନଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ତ ଯାହା ବିକାଶ ଏଥର ପିପିଲି ବ୍ଲକକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ସେ ତ 21 ବର୍ଷ ଜଣକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛୁ ଲାଗିଛୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁଇଟି ଦଳ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ ଅଛି ପାଖାପାଖି 230,000 ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ଭିତରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଏ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ଧରେ କଂଗ୍ରେସ ପଛରେ ପଡିଛି ଏବଂ କଥା ହଁ ଭୋଟର ମାନେ ବହୁତ ସଚେତନ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ 35 ଦିନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଣୁ ଦଳ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏ ପ୍ରତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୋଟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ଦଳକୁ ନେଇ ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ଫାଇଟ୍ ଭିତରେ ପଛରେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ସାରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଯିଏ ଆଶ୍ରିତ ଯେଉଁମାନେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ କେ ଜାଗାରୁ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ କଣ ଅଛି କେତେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର କେତେ ଭୋଟ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହବ ମତଦାନ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଯଦିଓ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ବୁଥରେ ଇଭିଏମ୍ ଖରାପ ହେବାର ଖବର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ସକାଳ 9 ସୁଦ୍ଧା 7.8% ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ପିପିଲିରୁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ବୁଥଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋଲକାତାର ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି ସକାଳ 7 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମତଦାନ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟର ଆସି ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଆସନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଟିଏମ୍ସିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା ତିବ୍ରିୱଲ ମୋଟ 3,00,000 ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି ଏହି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମୋଟ 35 ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ କମ୍ପାନୀ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ବୁଥ୍ ପିଛା 3 କମ୍ପାନୀ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି 270 ବୁଥ୍କୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୁଥ୍ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ମମତା ଯେଉଁ ବୁଥ୍କୁ ଯାଇ ମତଦାନ କରିବେ ତାହା ଏକ ହାଇସ୍କୁଲ ରହିଛି ଏହି ବୁଥ୍କୁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମମତାଙ୍କ ଏହି ଆସନରୁ ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ଟିଏମ୍ସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମମତା ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ହାରି ଯାଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବା ପରେ ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ସୁବ୍ରତ ବକ୍ସି ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଆଜିର ଦିନ ମମତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମମତା ଯଦି ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଯିବେ ତାହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ
ପୁଣି ଟ୍ରଲିରେ ଭୁଆ ହେଲେ ଗୁରୁତର ରୋଗୀ, ବଢ଼ିଲାନି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଭିଜି ଆହତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ଘୋଡ଼ାଇ ଟ୍ରଲିରେ ଟାଣି ଟାଣି ନେଲେ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ଶୁଳିଆପଦାର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଭଣ୍ଡାରୀଶୂଳ ଗାଁର ବିଶ୍ୱନାଥ ହଂସାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ କାହାରି ସହାୟତା ପାଇନଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ଉପାୟ ନ ପାଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଲାଗି ଏକ ଟ୍ରଲିରେ ଜଣେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ଇଏ ହେଉଛି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ମହିଳା ଜଣକ ଯେପରି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଲିଥିନ ଘୋଡ଼ାଇ ଟ୍ରଲିରେ ଆଣିଥିଲେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ପିପିଲି ଉପର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ପ୍ରେସମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ତରଫରୁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ ଯେ ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା କୋଭିଡ଼ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ସାନିଟାଇଜ କରାହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ, ତାପରେ ଥର୍ମାଲ ସ୍କାନିଂ କରାହେଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୟୁରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେଇନି। 20 ମଡ଼େଲ ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥର କରାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆହେଇଛି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ୱେଟିଂ ସେଟ୍ ଅଛି, ସିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କରାହେଇଛି, ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ପିସ୍ଫୁଲ୍ ପୋଲ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବେ ଭୋଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆଉ ବଢ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଯାହା ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଭୋଟିଂ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ମତଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଇଭିଏମ୍ର ଅଚଳ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ସେସବୁକୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ଭୋଟିଂ ଦେବେ, ଭୋଟ ଦାନ କରିବେ। କାହିଁକିନା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ହେଉଛି, 7:00 ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ 4 ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଯାହା ସମୟ ରହିଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ 11:00 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନର ବାଂସୋରା, ସିରୋହି, ହନୁମାନଗଡ଼ ଏବଂ ଡୌସା ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। राजस्थान में एक नया प्रयोग हमने किया है कि हमने इसका और विस्तार कर दिया पूरे प्रदेशवासियों के लिए। ये 5 लाख की योजना लागू हो गई राजस्थान के अंदर, चिरंजीव के नाम से भी है, और इसका बहुत बड़ा असर है क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एक प्रकार से टाइम आ गया कि हमें उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है, शिक्षा व मेडिकल 2 सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर हर व्यक्ति को अधिक से अधिक सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस दिशा में और जितना संभव होगा वो हम लोग कर पाएंगे। कोरोना के अंदर भी आपको शायद इस बार का एहसास भी है कि राजस्थान ने कोई कमी नहीं रखी थी, जो निर्देश केंद्र सरकार ने दिए थे हमें उनको हमने पूरा फॉलो किया। उसी कारण से हम लोग, चाहे मृत्यु दर हो वो बहुत कम रही और रिकवरी रेट भी बहुत अच्छी रही थी। ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम आई थी वो भी हम लोगों ने अब जो है, अगर थर्ड वेव की संभावना जो व्यक्त की जा रही है एक्सपर्ट द्वारा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है। करीब 120 प्लांट हमने लगाए हैं ऑक्सीजन प्लांट, और 250 मेट्रिक टन जो पहले व्यवस्था थी अब 1000 मेट्रिक टन की व्यवस्था हमने कर रखी है। इस प्रकार से हमने पैकेज भी अच्छा दिया है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस मेडिकल सेक्टर में जो भारत सरकार की सोच है उसको हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़ाएं, जिससे कि और अधिक गति के साथ में हम लोग
कैसा ही स्थिति बने देश के अंदर, क्योंकि दुनिया के मुल्कों में जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, वहाँ के हालात भी आप जानते हैं किस प्रकार से हैं। उनको देखते हुए हम लोग कैसे हम अपनी व्यवस्था करें जिससे कि थर्ड वेव की संभावना समाप्त हो जाए, और इस दिशा में हम लोग सब जागरूक भी हैं और पब्लिक को भी बराबर आगाह करते जाते हैं। इस सीपेट जो जिसका आज आपने उद्घाटन किया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है जिसका शिलान्यास तो बहुत पहले ही हो गया था, और मुझे बताया गया कि ये सीपेट जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग के नाम से, ये जब इंदिरा गांधी जी थे प्राइम मिनिस्टर उस जमाने में यूएनडीपी के साथ में मिलकर के 68 के अंदर इसकी पहली स्थापना चेन्नई में हुई थी, और उसके बाद में अलग अलग सेंटर बनाए गए, करीब 43 सेंटर देश भर में काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जयपुर में सीपेट सेंटर के माध्यम से जो प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम आज प्रारंभ हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन हुआ है, उसका भी जैसे अभी मंत्री जी बता रहे थे, आने वाले वक्त में हमें इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस मौके पर ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आपको शायद याद होगा कि आप ही ने राजस्थान में रिफाइनरी का शुभारंभ किया था 55 के अंदर, आप खुद पधारे थे जब पिछली बार आपके NDA फर्स्ट के अंदर, और वो काम आगे बढ़ रहा है, हालांकि कुछ डिले हो गया, उसके कारण से मैंने सुना है कि जो कॉस्ट बहुत बढ़ चुकी है उसकी भी, और उसका जो टाइम सेक्टर है वो भी शायद बढ़ रहा है, पर आज के हिसाब के उद्घाटन में जो बच्चे तैयार होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका लाभ हमारे आने वाले वक्त में उस सेक्टर को मिलेगा जो पेट्रोकेमिकल का सेक्टर बन रहा है वहाँ साथ के अंदर, क्योंकि शायद आपको जानकारी है कि रिफाइनरी के साथ में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी साथ में है, और उसके लिए भी हम लोगों ने तैयारी पूरी कर रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही आपके सानिध्य में मैं बात करना चाहूँगा अभी जो यहाँ अधिकारी बैठे हुए उनसे भी कि पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन जो बनेगा वहाँ पर, उसके लिए हमने अप्लाई कर रखा है, उसकी जल्दी स्वीकृति मिले जिससे कि रिफाइनरी बनने के साथ साथ में लोग रोजगार मिल सके, इंडस्ट्री आ सके वहाँ पर प्लास्टिक आधारित, और एरिया के डेवलपमेंट हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस पर भी आप हमें पूरा सहयोग देंगे। जैसा आप जानते हैं कि वैसे तो राजस्थान के अंदर भी अब पहले वाली बात नहीं रही, आज आपने एक नया इंस्टीट्यूट का जो उद्घाटन किया है, ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है, और यहाँ पर IIT, MNIT, IIM, AIIMS, SMS, NLU, NIFT अच्छी संस्थान हमारे यहाँ आई है। समय सरुच्छ बुलेटिन को इट सरुच्छ मत विदा दिंतु, नमस्कार।